अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंड वी आर रियली ऑल ऑफ अस वेलकम नियो की पूरी टीम, हमारा चैनल, वी आर ग्रेटफुल कि आपने एक्सेप्ट किया हमारा ये एक इनविटेशन। वी आर ग्रेटफुल भाई, आपने हमें यहाँ पे आने की क्या कहते हैं उसको, दावत दी। अब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में आप दोनों को लेके, और आप दोनों एक सच्ची मोहब्बत का पैगाम बन गए कि कोई बंदिश नहीं है, मोहब्बत जब चाहे हो सकती है और जब चाहे दो लोग मिल सकते हैं। तो इस जर्नी के हवाले से अगर मैं कुछ सवाल करना चाहूं सर। देखें, मुझ पे फतवा लग जाएगा, आप इनसे पूछें तो बेहतर। मौलाना को फोन करके देखिए, ये एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है, वो बेहतर है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। देखिए, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी इससे पहले जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। रियली? ये हमारी मुलाकात सबसे पहली जो थी वो धूप की दीवार के छत पे हुई। अच्छा। और ये तकरीबन 2 साल की बात। 2 साल? ये कोविड के दिनों में तो नहीं, हादसा पेश आया? पहले, उससे थोड़ा सा पहले। पहले? ओके। जाहिर है कि इनका नाम तो मैंने सुना हुआ था भाई, किसने नहीं सुना हुआ। और मैंने देखा हुआ था, इन्होंने मतलब स्क्रीन पर देखा हुआ था, रियल लाइफ में नहीं देखा था। अच्छा, स्क्रीन पर देखा। ओके। सो इतने आशना नहीं थे एक दूसरे से? नहीं। एक दूसरे के मिजाज से? नहीं। ओके। देखें, सारा जादू जो होता है जिंदगी का वो अननोन में होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये तो एक जिसको कहते हैं एक खूबसूरत हादसा है। लेकिन एक होता है प्रिपेयर होना उस हादसे के। नहीं, देखें, या अपने आप को प्रिपेयर करना उस हादसे। देखें, मैंने कभी इस किस्म की चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर जिंदगी में नहीं किया। मतलब मेरी तलाश नहीं थी, ये नहीं है कि मैं तलाश में था और एकदम से मुझे ये नजर आई और मैंने कहा कि भाई यही है। मतलब इस किस्म की बात नहीं होती है। तलाश मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मिला बहुत ज्यादा। वाह वाह। इज इट ऑल ऑफ अ सडन? यस, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब है सर, वो जो एक बोला जाता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। ओ भाई, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन मंजर सर ये तो बता देना कि आपने कैसे हिम्मत की प्रपोज करने की? भाई, मैंने हिम्मत की इसमें यार कोई बात नहीं होती है। हमने इकट्ठा काम किया है तो मुझे महसूस हुआ कि अगर हम दोनों के दरमियान कुर्बत का कोई लम्हा आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात आपने शुरू की सर, या यही तो हमने सुनना है? नहीं, ही टुक द इनिशिएटिव। अच्छा, ओके। मैंने पूछा नहीं है भाई, मैंने किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया है। डायरेक्ट बात की? नहीं, डायरेक्ट बात किस, देखे पाकिस्तानी ड्रामों में जो अक्सर डायरेक्ट बात होती है उस तरीके के साथ नहीं है। अच्छा, इसमें सटलिटी होती है। बिल्कुल, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे हल्का सा हिंट हिंट दिया। हाँ। नहीं है। अच्छा, ओके। वो हिंट आपने रिसीव किया? मैंने पिक कर लिया। लेकिन मैं जस्ट वही वाली बात है कि एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ जब आदत बिल्कुल ही पुख्ता हो चुकी होती हैं, देन यू नो दो इंडिविजुअल्स का इस तरह मिलना, तो बहुत सारी चीजें सोचनी नहीं पड़ती आपके ख्याल में? देखे, अगर सोच में पड़ गए आप तो वो लम्हा गुजर गया, ठीक है ना, उस मोमेंट को कैप्चर करना है आपने, अगर कर सके हैं तो ठीक है, नहीं तो वो गुजर गया। जिस तरह इन्होंने अभी मुझे पहले कह रही थी, भाग दौड़ में चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अगर जहाज निकल जाता है तो निकल जाए, निकल जाए। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई शुक्र है कि आपने मुझे नहीं निकलने दिया। जब सरकार ने हिंट कराई तो वो वाली बटरफ्लाईज इन द स्टमक वाली वो कैफी थी, सिग्नल पूरे आ रहे थे। नहीं लगा हुआ था भाई, इन द स्टमक उससे पहले थे। उससे पहले थे, तभी तो हिंट पिक कर लिया ना। हिंट पिक कर लिया। ओके, इट वाजंट सो आउट ऑफ द ब्लू। नहीं, अच्छा, कोई ये डायलॉग तो नहीं मिला, काश तुम मुझे बहुत पहले मिल गई होती, ये ऐसा कोई डायलॉग? कोई फिल्म का? देखो, ये इस किस्म की बातें कहते नहीं है, हो जाती है। So, अगर ये कहा जाए ना कि सिर्फ यंगस्टर्स ने ही कोविड का फायदा नहीं उठाया तो ये सरकार ने भी कोविड का बड़ा नजायज फायदा उठाया। सर आपने क्यों क्या दिया? आपको कुछ आंखों आंखों में कोई बात, मतलब आप तो खुद एक्ट्रेस हैं,
तो समझ गई तो माहौल जब क्या बनाया था? समझ गए भाई, मैंने माहौल नहीं बनाया। अच्छा। माहौल नहीं बनाया जी, सादा आके कह दिया। मैंने सीधा इनसे कहा कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे वाह 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 वाह, ये जो कारोबार चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, ये धंधा है, ठीक है, चल चलिए। लेकिन असल जिंदगी जो है वो तो भाई आप बाहर निकले, इश्क करें। वाह 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 वाह, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, पड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी हैरत से मुझे देखा कि ये क्या बकवास कर रहा भाई है। मीना अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंजर से भाई साहब मौजूद हैं, हम बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं इनके साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सरकार आपका जो एक परसोना है वो तो एक बड़ा सख्त आदमी वाला परसोना है ना, तो वो पोल्स अपार्ट लगता है मैडम। तो एक फुल्ला वर्ग ने जैसे छेड़ भी लेने या तंग भी कर लेने या, तो बड़ा अजीब जहा एक कॉम्बिनेशन है कि ये कैसे हो गया, और लोग भी जानना चाहते हैं, फिर लोगों के जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है उसकी रोशनी में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रिमार्क्स चलते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया क्योंकि बहुत आम हो गया है। उसमें ये भी एक चीज है कि लोग कहते हैं कि यार ये बुड्ढा बुड्ढी इनको क्या ख्याल आया भाई इस उम्र में, और मुझे दुख इस बात का होता है सर कि ये सोच ना कि फिर भी कितनी भी आपकी उम्र हो कि आपको अगर कोई अच्छा कंपेनियन मिल जाए, बिल्कुल तो बहुत से मतलब कंपेनियनशिप तो चाहिए होती है, बिल्कुल। बट वो वही वाली बेटर बात हो जाती है ना, क्योंकि हम स्क्रीन पे हर वक्त नजर आते हैं ना, तो हमारे पे आवाजें और उंगलियां और जुमले ज्यादा उठते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का खूबसूरत तमीज लम्हा है, माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी इनसे मुलाकात थी, माशाल्लाह, ठीक है ना। और मुझे इसमें किसी किस्म का मेरा कोई इशू नहीं है, कोई भी मुझसे बात करेगा इसके बारे में तो मैं उसको साफ कहूंगा कि नहीं हाँ है, तुमने जो करना है कर लो कर लो, ठीक है, मुझसे हाथ मिला के देखो, हाँ ठीक है, तुम बुड्ढे कह रहे हो कि बुड्ढा है जी, बुड्ढी है, अबे मेरे करीब तो आओ, आओ पता जाएगा। अगर इतना इतना तुम्हें घमंड है, वो रोक रही है आपको, अल्लाह बेहतर करे। यू थिंक मंजर साहब की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो हाउ आर यू टेकिंग इट नाउ एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन नेक्स्ट टू यू? नहीं नहीं, इतना भी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये गलत बात है। नहीं नहीं है। So how do you take it? No, it's very nice. I क्या मैं कहूँ? मतलब मुझे कोई negative feeling नहीं है। नहीं आई। Do you sometimes blush जब इतना दबंग तरीके से? अभी भी मैं देख रहा था कि जैसे वो दबंग तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वाह। हाँ तो क्यों? नेशनल टेलीविजन भाई, मैं मोहब्बत मोहब्बत है ना, इश्क है, और शादी की है माशाल्लाह। हाँ तो शादी को तो छोड़ो यार, जानने में डालो उसको, शादी की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों की शादियां वही होती हैं, सात सात साल जो इकट्ठे रहते हैं, इनके अभी तक में रहते हैं, इनके अभी तक नहीं हुई, इनके अभी तक नहीं, वो शुक्र करे